हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज़ आलम, मैथमेटिक्स लेक्चरर, करीम सिटी कॉलेज, मानगो कैंपस। ये हमारा 14th वीडियो लेक्चर है मैट्रिक्स अलजेब्रा के टॉपिक पे, जिसका सेकंड पार्ट डिटरमिनेंट हम पढ़ रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखो, उससे ये पता चलेगा कि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितने हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे कि उन प्रॉपर्टीज़ को प्रॉब्लम्स में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन ईज द डिटरमिनेंट। मतलब वी कैन, ये ऐसा कह सकते हैं कि हम अगर किसी टफ सम्स को आसान बनाना है तो बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट हम उसे बना सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई टिपिकल सम इजी वे में बन जाए। अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपैंड करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और हो सकता है वो कैलकुलेट हो भी ना। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बोल रहा है प्रूव डैट ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होगा 0। ठीक है, वी हैव, अब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को हमने ले लिया है यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है कि हमें इसका वैल्यू 0 दिखाना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि डिटरमिनेंट जब इवेल्युएट होता है तो वो आइदर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट होता है, वो एंट्रीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो इसके वैल्यू को हमें 0 दिखाना है। अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करके बनाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ लिख देता है क्वेश्चन में कभी कभी, तो आपको प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना ही होगा, अदरवाइज डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं, कॉलम 2 इज रिप्लेस्ड बाई कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। मतलब क्या, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट को हम बदल देंगे किससे, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 2 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और कॉलम 2 ही में लिख देंगे, लिखना यहाँ पर है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये 1 1 कॉलम 1 को मैंने एज इट इज़ रखा, क्या बोला यहाँ पर, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को ऐड कीजिए, तो यहाँ पर ऐड किया ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिखाएगा बी प्लस सी प्लस ए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए प्लस बी प्लस सी, और ये कॉलम 3 को कुछ करने नहीं बोला, एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है तो वो बाहर चला जाता है, तो टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, ये कॉलम 2 में देखो ये कॉमन है तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो जब हम इसको बाहर ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये 1 1 1 तो वही है, ये सारा क्या बचेगा यहाँ पर 1 1 1 बचेगा मल्टीपल में, और बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब एक फिर से प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, और मैंने प्रॉपर्टीज़ में क्या बताया था कि अगर कोई भी दो कॉलम या दो रो किसी डिटरमिनेंट का आइडेंटिकल होगा तो वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बी 0। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। आप इसको एक्सपेंड करके भी देखोगे तो वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, तो बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, 0 हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया ना। इसका दूसरा सम है, एक सेकंड सम हम लेते हैं। ठीक है, अगर ये पूरा वीडियो आ जाना चाहिए। ठीक है, इसका एक सेकंड सम, दूसरे तरह का सम को लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर ना, बोल रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट, ये देखो इस पार्ट को प्रूफ करना है, 1 1 1 ए बी सी है, बी सी सी ए बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो आपको थोड़ा फोकस करना होगा ना कि डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करके क्या लाना है, ये पे इस पे थोड़ा ध्यान देंगे।
आप ऐसा नहीं करेंगे कि डिटरमिनेंट पिला फटाफट उसको इवेल्युएट करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करेंगे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पर जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है मैंने लिख दिया। लाना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो हम उसी तरीके से कुछ ऑपरेशंस को ऑपरेट करेंगे कि यहाँ पर देखो a माइनस बी यहाँ से आ रहा है वन, अगर कॉलम वन को कॉलम टू में सब्ट्रैक्ट कर दें, वन माइनस वन जीरो, ए माइनस बी, बी सी माइनस सी है आ जा रहा, तो c यहाँ से कॉमन आएगा तो b माइनस ए निकलेगा ना इसमें से, तो हो रहा है। और वन में से वन को जीरो कर देंगे, यहाँ वन माइनस वन जीरो, बी माइनस सी, सी ए माइनस ए बी। तो हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाया, कॉलम वन इज रिप्लेस बाय कॉलम वन माइनस कॉलम टू, एंड कॉलम टू इज रिप्लेस बाय कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। अच्छा एक बात और कि ट्रिपल वन अगर रहेगा तो मैक्सिमम दो जगह पर ही जीरो कर सकते हैं, तीनों को जीरो नहीं बनाएंगे। अगर तीनों को जीरो बनाएंगे तो हर हर बार वैल्यू क्या हो जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। तो ये नहीं है, मैक्सिमम एटमोस्ट टू टाइम्स, दो ही बार जीरो कर सकते हैं, किसी दो को हम जीरो कर सकते हैं वन में। तो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, कॉलम को देखेंगे या फिर रो को देखेंगे ऑपरेशंस में, है ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉलम वन इज रिप्लेस बाय कॉलम वन माइनस कॉलम टू। तो देखो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, ये ए माइनस बी, बी सी माइनस सी है, ठीक है। इसको इससे कर दिया, वन माइनस वन जीरो, बी माइनस सी, सी ए माइनस ए बी, और वन सी ए बी एज इट इज। जिसको कुछ नहीं करेंगे, किसी कॉलम का ऑपरेशन नहीं है, ये लिखा है कॉलम टू में और ये लिखा है कॉलम वन में, दो जगह चेंजेस हुए, कॉलम थ्री एज इट इज। अब इसके बाद क्या करना है, देखो फिर से कॉलम वन में ए माइनस बी कॉमन, अभी कॉमन नहीं, इसको कॉमन में निकालेंगे, ये जीरो 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 वन, यहाँ देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी, यहाँ से देखो सी माइनस सी अगर कॉमन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ से माइनस ए अगर ए कॉमन निकालेंगे तो सी माइनस बी होगा, अगर माइनस ए कॉमन निकालेंगे तो बी माइनस सी आ जाएगा, ये ए बी। अब फिर से देखो वही प्रॉपर्टीज़ का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाएंगे कि किसी एक कॉलम या रो में कंप्लीट है एलिमेंट अगर कॉमन है, किसी एक रो या कॉलम में कोई एलिमेंट अगर कॉमन है तो बाहर आ जाएगा। देखो ए माइनस बी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जीरो में तो है ही, क्योंकि डिवाइड होगा तो वो बैलेंस होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, इसमें देखो इसमें बी माइनस सी है, बी माइनस सी को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ तो कुछ नहीं है ना इसमें से नहीं। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर कॉमन होगा तो बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जीरो जीरो वन, ए माइनस बी की जगह पर वन निकल गया बाहर, यहाँ माइनस सी, यहाँ जीरो, ये वन, ये माइनस है, वन सी ए बी। अब इसको क्या करो, रो वन से एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंडिंग इट बाई रो वन, एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग इट बाई रो वन, ठीक है ना। रो वन से एक्सपैंड कर दो, जीरो से तोड़ेंगे जीरो आएगा, जीरो से तोड़ेंगे फिर जीरो आएगा माइनस में, और यहाँ वन से तोड़ेंगे तो क्या होगा, आमने सामने हट जाएगा डिटरमिनेंट, माइनस ए प्लस सी। तो ये आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसको सीधा करके लिख दो, सी माइनस ए, सी माइनस ए। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ना। तो लिख कर इसको बनाओ। एक प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम है प्रूफ डैट, इस तरह का प्रॉब्लम देखो, ये प्रूफ करना हमें, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप क्या देखेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम में आप ध्यान रखेंगे कि आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि कैसा ऑपरेशन ऑपरेट करना है, कि यहाँ 5x प्लस 4 है। तो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, हमने लिख दिया जो लिखा हुआ है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिटरमिनेंट। अब हमारा काम है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड, हम कॉलम के सारे एलिमेंट को ऐड करके देखेंगे या रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके देखेंगे, कोई कॉमन तो नहीं हो रहा ना। जैसे देखो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो ये रो 1 के सारे एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो 5x प्लस 4 हो रहा है, रो 2 के सारे एलिमेंट को 2x प्लस 2x 4x 5x प्लस 4 आ जा रहा है, 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4। ऐसा कॉलम 1 के साथ रो 1 के सारे एलिमेंट, रो 1 रो 2 रो 3 के सारे एलिमेंट को ऐड किया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के एलिमेंट्स को ऐड करो, ऐसे अगर इस तरह से ऐड करो 2 टू 4 प्लस 1 5, या फिर ऐसे भी ऐड करोगे 2 टू 4 प्लस 1 5, 2 टू 4 प्लस 1 5, 2 टू 4 प्लस 1 1, 2 टू 4 प्लस 1x 5x, ठीक है। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं, कॉलम वन इज रिप्लेस बाई कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। अगर कॉमन मिल रहा होगा तो हम उसको कॉमन निकालेंगे बाहर ताकि वो आसान बन जाए, ठीक है। कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉलम वन में भी आ रहा है, कॉलम टू में भी आ जाएगा और कॉलम थ्री में भी आ जाएगा ऑपरेट करके, ठीक है। सेम चीज़, देखो क्या कहने का मतलब है मेरा, कॉलम वन इज रिप्लेस बाई कॉलम वन प्लस कॉलम टू, इस तरह से, है ना, इस तरह से ऐसे 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 ऐड करेंगे, ठीक है, सामने सामने 5x प्लस 4 ठीक है, 5x प्लस 4 यहाँ से भी 5x प्लस 4 यहाँ लिखाएगा कॉलम 1 में, यहाँ से भी 5x प्लस 4 कॉलम 1 में लिखाएगा, बाकी एज इट इज है। अब आप देखो 5x प्लस 4 क्या है, इसमें कंप्लीट कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, तो 1 1 1 बन गया, 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो फिर से ट्रिपल 1 बन गया, मैक्सिमम क्या करेंगे, किसी दो को जीरो बना देंगे, किसी दो को जीरो करना है हमको, तो कर लेते हैं, रो टू इज रिप्लेस बाय रो टू माइनस रो थ्री कर देते हैं, रो टू और रो थ्री को जीरो कर देते हैं,
रो टू इज रिप्लेस बाय रो टू माइनस रो थ्री। एक बात और याद रखना है कि यहाँ रो टू लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी रो टू आदत बना लोगे। और एक और करते हैं, रो थ्री इज रिप्लेस बाय रो थ्री माइनस रो वन। रो थ्री को रिप्लेस करते हैं रो थ्री माइनस रो वन। रो थ्री माइनस रो टू नहीं करेंगे, सेम ऑपरेशन हो जाएगा ना, साइक्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो वन है, ये टू है, और ये मान लो थ्री है, तो वन माइनस टू कर दिए, टू माइनस थ्री कर दिए, तो फिर थ्री माइनस वन नहीं करेंगे, साइक्लिक में जीरो हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो फाइव एक्स प्लस फोर हो गया, रो टू इज रिप्लेस बाय रो टू माइनस रो थ्री, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, रो टू में लिखाएगा, फिर यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर माइनस एक्स आ जाएगा, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, टू एक्स में से एक्स गया तो एक्स माइनस फोर हो जाएगा ये, फिर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो, वन माइनस वन जीरो, टू एक्स माइनस टू एक्स फिर से जीरो, एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स फोर माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है निकल लो, फाइव एक्स प्लस फोर, यहाँ से देखो एक्स माइनस फोर हमको चाहिए ना राइट हैंड साइड में, उधर ऊपर में हमको राइट हैंड साइड में एक्स माइनस फोर चाहिए, तो यहाँ पर एक्स माइनस फोर है, यहाँ एक्स माइनस फोर है, साइन अपोजिट है, कोई बात नहीं, एक्स माइनस फोर बाहर निकाल लिया इसमें से, रो टू से निकाला, और रो थ्री में भी जीरो में रहता है ना, एलिमेंट्स होते हैं, डिवाइड हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, एक्स माइनस फोर हमने यहाँ से भी निकाल लिया। अब क्या बचा, यहाँ बच गया वन, टू एक्स, टू एक्स, यहाँ बच गया जीरो, यहाँ से हमने एक्स माइनस फोर निकाला तो ये माइनस वन बचेगा, यहाँ से एक्स माइनस फोर तो वन बचेगा, ये जीरो जीरो रहेगा, फोर माइनस एक्स से मैंने क्या निकाला, एक्स माइनस फोर निकाला तो यहाँ माइनस वन बचेगा। अब इसको एक्सपेंड कर लो बाय यूजिंग कॉलम रो थ्री, रो थ्री से एक्सपेंड कर देंगे तो फाइव एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, और ये जीरो एक्सपेंड करोगे तो ये जीरो से जीरो, इससे जीरो ही हो जाएगा पूरा, माइनस वन से ये आमने सामने हटेगा, माइनस वन और ये जीरो, माइनस माइनस प्लस वन, ये आ गया रिजल्ट, देखो फाइव एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, थैंक यू।